पहली बार ईरा नानू की गोद में गई है। ईरू, ईरू किसके पास है? क्या दे रहे हैं ईरू नानू को? नानू क्या दे रहे हैं ईरू को? हाँ, ये देखो ईरू की नानी, ईरू की नानी नन्नू ने क्या लाया ईरू के लिए। ये देखो पहली बार गोद में लेके नन्नू इसको क्या पहना रही हैं। अरे वाह, ईरू के लिए कड़े आए। ईरा, ईरा, ये हंसी, अच्छी। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। और ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूं, जो लास्ट आपने व्लॉग देखा था उसी के आगे पूरा। अभी तक आपने देखा कि मम्मी पापा ने पहली बार ईरू को गोद में लिया था, पापा बहुत इमोशनल हो गए थे ईरा को गोद में लेकर के। और फिर उसको पापा ने पहली बार गोद में लेने के लिए पैसे दिए, मम्मी ने उसके लिए कड़े लाए थे वो दिए, सब पहनाया बनाया। और फिर अभी यहाँ पे वर्मा जी ऑफिस से आ चुके हैं। ये क्लिप जो है वो मैं एडिटिंग के टाइम ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी कि मैंने इसमें कुछ भी बताया नहीं है, बस मैं रिकॉर्ड करती गई इसीलिए। तो चलो अब आप पूरे व्लॉग को एंजॉय करो, अच्छा लगेगा आपको आज का व्लॉग। और कल के व्लॉग को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, सब ने आंटी अंकल को नमस्ते कहा, तो मम्मी पापा भी आप सबको थैंक यू बोल रहे हैं, आपने उनका वेलकम किया। कुछ लोगों ने कहा वेलकम है आंटी अंकल, सबको सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। तो वही है, तो चलो अभी आज के व्लॉग को भी आप पसंद करने वाले हो, आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। चलिए लेना है, लेके खा लीजिए, खोलिए। हमने तो खाया। सोन पापड़ी वो बाद में खाएंगे। अच्छा खाइए खाइए, गुलाब जल डाला हुआ है। बाकी बाद में फिर खाइएगा। सोन पापड़ी लाए? माँ पे गई है। ईरा भी खाएगी क्या? हमने फ्रिज में रख दिया था ये, अभी फ्रिज में रख दिया था। $1200 का आएगा आईफोन। आपके लिए मिठाई लाई है, ये गाय का जो सामान ना, देखिए ये आपके लिए कुछ लेके आई है। मम्मी थैंक यू, मिठाई प्यार से लेके आई है मेरे लिए, कितना वेरी मच। चलिए आप लोग अपना काम करके आइए। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। 1 बज रहे हैं, मम्मी पापा को काम से जाना था। एक्चुअली मम्मी पापा आए ही इसीलिए थे, वह मुझे बताया नहीं था, सरप्राइज़ उन्होंने दिया मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जैसा कि व्लॉग देखा था। और अभी कुछ काम से क्या है वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी आराम से, अभी वो करके आ जाएँ अपना, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या है। और अभी मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे मेरा सेटअप तैयार है, पापा मम्मी गए हैं, ईरा सो रही है, अब जल्दी से इसका काम करके मैं भी लंच करूँगी। चलो फिर फटाफट से काम कर लेते हैं। वेलकम बैक गाइस, मैंने खाना खा लिया है, 1:15 बजे खा लिया था, खाते खाते ही ईरा उठ गई थी, इधर लेटी हुई है। एंड अभी ये कपड़े इधर रखे हैं, मेरे को फोल्ड करने हैं, ज्वेलरी वगैरह तो मैंने रख दी है, और अभी ये सब भी कपड़े रखने हैं। ईरा क्या हुआ, क्या हुआ ईरू को? देखो नन्नू क्या लाई है ईरू के लिए।
हंसी आ गई। ये तो इरु के टॉय वगैरह सब आए हैं एंड यही था। और अभी तो 1:30 बज रहे हैं, पीहू को इरु को मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ, अगर ये सो जाएगी तो फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। नन्नू गई हॉस्पिटल, गई होगी, तुम्हें कैसे पता? हेलो, ओके गाइस, तो पीहू को मैंने बोला कि तुम्हारे नानू नानू चले गए, तो फिर उसने वो समझ गई कि नहीं नहीं गए होंगे, वो घर कहीं तो गए होंगे, काम से हॉस्पिटल गए होंगे, कुछ ऐसा बोल रही थी। तो अभी मम्मी पापा आने वाले हैं, उनका फ़ोन आया था। आप कपड़े चेंज कर लो बेटू, आपने उधर अपना हैरम रखा था ना, वो लोअर, हाँ पहनिए, खोलिए खोलिए। कौन आया कौन आया? अरे बाबू, अभी पीहू आई है लग रहा है। अभी अभी तो आई है, हमने कहा नानू नन्नू चले गए, तो कह रही है कि मोनू भैया नहीं आए। अच्छा, अरे वाह, कल मेरा मन ही हो रहा था, हमसे बोल रहे थे, समोसा खाने का मन हो रहा है, ये ऑफिस में खाए थे तो हमने कहा मेरी याद नहीं आई समोसा खाया है आप तो कह रहे हैं अरे वो तो ऑफिस में बटा था। सोना नहीं है इसको, क्या कर रही हो? चलो लेटो हीरो, सोना नहीं है, सोना नहीं है, नहीं नहीं, इल्लू उठी है, इल्लू छोके उठी है, भौई भौई, कहाँ जा रही है इल्लू? ए कहाँ जा रही है, नया नया ड्रेस पहन के कहाँ जा रही है? इरो, ओहो पीयू खेल रही है क्या? कहाँ पे आई है? हाँ मैं ऐसे कर रही थी कि आ जाओ इधर खेलने के लिए, फिर आपकी मम्मा से बात करी है ना। अच्छा आपने बोला फ्री है, खेलो खेलो खेलो। ओके गाइस, तो अभी चाय बन रही है यहाँ पे शाम की, काव्य आई हुई है तो वो खेल रही है। तो बस मैं यहाँ पे शाम की चाय बना रही हूँ, मम्मी इरा की मालिश वगैरह कर रही थी, वो बढ़िया से मालिश करवा लेती है, अब तो शाम को भी मम्मी अच्छे से इरा की मालिश कर देती हैं, तो वो रात को भी आराम से सोती है। बच्चों की रात में मालिश करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करते हैं तो आप लोग भी करके देखिएगा, बच्चों को अच्छी नींद आएगी। और वो बस अपनी नानी और नन्नू के साथ जो है वो खेल रही है, पीहू अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है, तो मैं यहाँ पर शाम की चाय बना रही थी। अभी थोड़ी देर में वर्मा जी ऑफिस से आ जाएंगे। हेलो पीयू, खाना खाओ बेटा। हाँ काव्या, आप भी दाल ले रही हो ना? ठीक है। और क्या बताए? अच्छा हो गई मालिश, मालिश हो रही है भाई, मालिश हंस रही है। तो मम्मी इरा की मालिश कर रही थी और यहाँ पे शाम की तैयारी हो रही थी। आज डिनर में बनने वाला था सांभर डोसा चटनी, मतलब डोसा बनने वाला था, तो दाल मैंने भिगो दी थी, लौकी और बैगन मम्मी ने कट कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे सांभर बनने के लिए रख रही हूँ। सांभर में मैं बस लौकी और बैगन ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सीटी लगने को रख दिया है और फटाफट से बस इसमें 2 सीटी आएगी और हमारा सांभर जो है वो छौंकने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सांभर छौंक भी दिया था। इरा मम्मी की गोद में आराम से लेटी खेल रही थी मालिश के बाद भी, तो आराम से मेरे को भी टाइम मिल रहा था ये सब करने का, वरना मुझे बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है ये सब बनाने और खाने को। बहुत टाइम के बाद आज मैं बना रही हूँ सांभर, पीहू का भी मन था डोसा खाने का, तो यहाँ पर एवरेस्ट का मैंने मसाला लिया है और इसको बस डाल देंगे और भून लेंगे। मैं ज़्यादा बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ सांभर, तो आप लोग पहले रेसिपी तो जानते ही हैं, मैंने कई बार शेयर किया है,
चलो अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं फिनिश कर दूंगी। इसके बाद ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी कल आपके साथ अच्छे से व्लॉग के साथ। चलो टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।